फोर लेन में ओवरब्रिज निर्माण के दौरान एक ओर से दूसरी ओर आने जाने वाली वाहन चालकों की सुविधा के लिए जगह जगह डिवाइडर बनाए गए हैं, जो दुर्घटनाओं का केंद्र बिंदु बन चुके हैं। यहां गति पर नियंत्रण के लिए न कोई बोर्ड लगाया गया है और न ही ट्रैफिक कर्मचारियों की तैनाती की गई है। फोर लेन में अंडरब्रिज निर्माण का कार्य जारी है। इस दौरान फोर लेन के प्रमुख चौराहों पावर हाउस चंद्रा मौर्य और सुपेला को बंद कर दिया गया है। वाहन चालकों की सुविधा के लिए फोर लेन में कुछ स्थानों में डिवाइडर एक ओर से दूसरी ओर आने जाने बनाए गए हैं, जो दुर्घटनाओं का केंद्र बिंदु बनते जा रहे हैं। वाहन चालक डिवाइडर को क्रॉस करने के दौरान दूसरी ओर से आ रहे वाहनों की अनदेखी करते हैं और पहले सड़क पार करने की होड़ में दुर्घटनाओं को आमंत्रित कर रहे हैं। सभी डिवाइडरों में हर वक्त, विशेषकर रात में, दुर्घटनाओं का अंदेशा और भी बढ़ जाता है। वाहन चालकों की लापरवाही ही उनकी जान को जोखिम में डाल रही है। इन डिवाइडरों में गति पर नियंत्रण रखने न तो कोई बोर्ड लगा है और न ही वाहन चालकों को नियंत्रित रखने ट्रैफिक कर्मचारियों की तैनाती की गई है। सामाजिक कार्यकर्ता सुमन सील ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। भिलाई शहर के मध्य स्थल से हाईवे रोड जो बना हुआ है, जहाँ पर कि बड़े बड़े वाहनों का आवागमन रहता है और जिसके कारण आए दिन दुर्घटना को देखते हुए शासन प्रशासन द्वारा भिलाई के मध्य से ही ओवरब्रिज का निर्माण किया जाए, और इसलिए क्योंकि जान है तो जहान है, परंतु इस धीमी गति से हो रहे ओवरब्रिज के निर्माण में जिस प्रकार की लोगों की जहाँ पे परेशानियों का जूझना पड़ रहा है, वही प्रशासन द्वारा बीच बीच में जो आवागमन के लिए इस पार से उस पार जाने के लिए जो डिवाइडर छोड़ा गया है, जिसमें कि यहाँ पर वर्तमान में देखा जाए तो ना ही कोई ट्रैफिक पुलिस वहाँ खड़ी रहती है और ना ही कोई रात्रि के समय जहाँ अंधेरा रहता है, वही जिस स्पीड से गतियाँ चल रही है आए दिन दुर्घटना घट रही है। इसलिए हमारी मांग यह है कि सबसे पहले तो यहाँ पर एक बोर्ड लगाया जाए जिसकी रफ्तार गति 20 से ऊपर ना किया जाए, और साथ ही एक डिवाइडर बनाया जाए जिससे कि वाहनों को धीमी गति से चलना पड़े और लोगों की जान माल से बचाया जा सके। किस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं डिवाइडर इधर? सबसे बड़ा चीज़ है कि जिस प्रकार की जब गाड़ियां तेज आती है, इस प्रकार की जब यहां से गाड़ियां निकलती है, उसको यह नहीं दिखता है कि कोई वाहन वहां से आ रहा है। जैसे कि आए दिन कल ही एक घटना घटा था, जबकि एक कार वाला, उसको वाहन से उस पार जाना था और एक ट्रक वाले ने उसको जिस प्रकार की वाहन से ठोकर लगा, वो तो भगवान की इसकी दया थी कि उनकी जान उसमें बच गई है। इसमें जिस प्रकार आप खुद ही देख रहे होंगे, छोटी छोटी वाहन अभी जा रही है, परंतु उसे ये नहीं दिख रहा है कि राइट साइड से कौन आ रहा है और लेफ्ट साइड से कौन आ रहा है। तो ये दुर्घटना का सबसे बड़ा अंदेशा है, और ट्रैफिक पुलिस, जिनको की सबसे पहली बात है कि यहाँ पर उपस्थित होना चाहिए, और ऐसी प्रकार का डिवाइडर कई जगह पे है, परंतु आप खुद देख सकते हैं कि पुलिस प्रशासन, ट्रैफिक पुलिस ओवरब्रिज के नीचे में चालान काटने में लगी है। वही हमारे जनप्रतिनिधि यहाँ से आए दिन निकलते हैं, उनको से भी मेरा अनुरोध है कि इस पर ध्यान दिया जाए कोई बड़ा दुर्घटना होने से पहले। बहरहाल डिवाइडरों में कोई बड़ी दुर्घटना हो, इसके पूर्व सभी डिवाइडरों में वाहन चालकों को लापरवाही से वाहन क्रॉस करने से रोकने ट्रैफिक कर्मचारियों की तैनाती किए जाने की जरूरत है। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।